ये दो बातें अपने माइंड में डाल लेना, जिंदगी तुम्हारी सवर जाएगी। जो तुम कुछ बैरी गांडे बनी बैठी है चुपचाप, नहीं हम तो मर जाएंगे उसके बिना, तो उनके लिए ऐसा तंत्र मंत्र है, ऐसा पिछवाड़े पे डंडा चलेगा तुम्हारे कि तुम्हारा पूरा भूत उतर जाएगा। या आंडू गांडू बाबाओं के चक्रों में मत आना, ठीक है, उल्टा लटका के मुर्गी बना के मुर्गा बना के खड़ा करो इनको ट्रेन के आगे, तुरंत ऑन द स्पॉट कटेंगे फ्रॉड बाबा जो पैसे मांगते, ये करेंगे वो करेंगे, चूतिया बनाते, दूर रहना इनसे। ये बातें ध्यान रखो, कहीं नहीं जाएगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है, माइंड में घुसेड़ लेना। उससे पहले अगर ज़्यादा नीड आ रही हो तो कॉल बुक कर लेना, अगर ज़्यादा नीड हो तो ही, ठीक है। इसके कुछ चार्जेस हैं जो पे करने होंगे, व्हाट्सएप पे जाके कर सकते हो। देखो पहली चीज़ ये होती है कि अपनी क्रिएटिविटी को कभी शो ना करना। क्रिएटिविटी कौन सी चीज़ें होती है, जैसे अब आप अपने दोस्तों को छोड़ देते हो, उनके लिए फैमिली को छोड़ देते हो, ठीक है, उनके लिए सब चीज़ें सेक्रीफाइस कर देते हो, जैसे अपनी स्टडी हुई, जॉब हुई, सब चीज़ें डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ठीक है, जैसे जिम वगैरह कुछ भी, क्या मिलता है आपको? इग्नोर फिर भी होती होते हो, फिर भी रोते रहते हो, तड़पते रहते हो, धोखा मिल जाता है, टाइम नहीं मिलता, केयर नहीं मिलती। इतना सब करने के बाद भी आपको आज प्यार नहीं मिला, तभी आप ऐसी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने का मीन्स ये है कि आपने सब चीज़ें करी लाइफ में, सारी एक्टिविटीज़ करो, फिर भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो गलती कहीं ना कहीं कर रहे हो आप। तो आप गलती क्या कर रहे हो? पहली चीज़ तो यार देखो, अवेलेबल होना बंद कर दो, बातें मानना बंद कर दो, ठीक है। क्यों बंद कर दो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपने क्राइम नहीं करा, ठीक है, तो आप कहीं पर भी घूम सकते हो ना, इस सिटी जा सकते हो, इस कंट्री जा सकते हो, अगर आपने क्राइम नहीं करा। अगर जो चोर होता है वही डरता है ना, तो आप क्यों डर रहे हो? आपने ट्रू लव करा है, आपके दोस्त है, तो आप उनको क्यों छोड़ रहे हो? हैं, कल के आए हुए लड़के के लिए आप सेक्रीफाइस कर देते हो। सोचो आप अपने दोस्त के नहीं हो सके तो बहनचोद वो आपका बॉयफ्रेंड आपका क्या होगा, ठीक है। आपने अपने दोस्तों को छोड़ दिया है ना, आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दोस्तों को ब्लॉक कर दिया, गालियां पड़वा दी, धक्के दे दिए, साइको गांडू रहते हैं साले, बहरी गांडे है ना, ध्यान से सुनो। तुम क्या मिला? तुमने इंस्टाग्राम बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, व्हाट्सअप बंद कर दिया, दोस्तों से बातें करना बंद कर दिया, फैमिली के अगेंस्ट तुम जा रहे हो, ठीक है, पैसे तुम उसको दे रहे हो, सेक्स तुम कर रहे हो, मुर्गी बनने में तुम्हें मजा आ रहा है, जापानी तेल लगाने में मजा आ रहा है, यही तुम्हारी जिंदगी रह गई है, मुर्गे बन रहे हो, खटोचकच का तेल लगा रहे हो, क्या है ये? यही लाइफ है क्या तुम्हारी? क्यों अपनी लाइफ खराब कर रहे हो किसी के पीछे? देखो प्रोवाइड वहाँ होना चाहिए जहाँ हमें सब चीज़ें सेटिस्फाइड करे, बट यहाँ सेटिस्फाइड नहीं कर रही तो आपको भी अवेलेबल नहीं होना। मेन पॉइंट यही है यार, अवेलेबल नहीं है रहना, ठीक है। टिट फॉर टैट करना है तुम्हें, सामने वाला समझ रहा है, तुम कहोगे कि ऐसे छोड़ देगा, छोड़ देगी, अरे चूती हो, तुमने छोड़ा क्या? फिर कहते हो चूती हो क्यों बोल दिया, तुमने छोड़ा नहीं, छोड़ा ना तो वो क्यों छोड़ेगा? तुम प्यार करते थे ना, और तुम्हें लगता है वो प्यार नहीं करता, फिर ऐसे चल जाएगा, तो तुम समझ लेना उसने तुमसे कभी प्यार नहीं करा। तुम्हारे मम्मी पापा छोड़ के गए क्या? हैं, तुम्हारा घर तुम्हें छोड़ के गया क्या? नहीं गया ना। तुम जॉब करते हो क्या? जॉब छोड़ के? अच्छा, करते ही नहीं हो, ओके, बेरोजगार हो, नहीं हो, अच्छा हो, स्टडी छोड़ के गई, मम्मी छोड़ के गई, पापा छोड़ के गए, बहन भाई छोड़ के गए, अपने होंगे वो नहीं जाएंगे। तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड अगर अपना है तो क्यों जाएगा? अगर अपना नहीं है तो आज नहीं तो कल जाएगा। इस डर से बाहर निकलो। डर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज है, तुम्हें लगता है ऐसे करेंगे तो भाग जाएगी, तो इसका मतलब वो कच्चा प्यार है, कच्चा। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, माइंड में घुसेड़ लेना और पिछवाड़े से निकाल मत देना, है ना, भेजे में डाल लेना। ये नहीं है मेरा भरोसा दे दिया, ये कुछ चूतिया वाली वो नहीं है, ठीक है। ऑन द स्पॉट जो बातें है डॉक्टर बता देता है ना कि अब टाइम कंप्लीट हो गया, अब बस हमारे भगवान ही बचा सकते हैं। तो वैसे तुम्हें क्लियर कट जवाब दे रहा हूँ, अब तुम्हारा रिलेशनशिप एंड होने के कगार पे है। अगर तुम्हें यूँ लगता है कि वो हमें छोड़ देगा, छोड़ देगी, तो तुम्हें टिट फॉर टैट करना चाहिए। अगर तुम नहीं छोड़ सकते तो तुम्हारा बंदा आया बंदी छोड़ देती है तो ये प्यार है ही नहीं, तो ये प्यार है ही नहीं, अपने माइंड में घुसेड़ लेना। तो तुम्हें क्या करना है? अवेलेबल कम हो रहना है, ठीक है, और अपने दोस्तों को नहीं छोड़ना, एक ही चीज़ कहनी है, रहना है तो रहो, नहीं तो आप जा सकती हो, जा सकते हो, एकदम नॉर्मल वे में बोलो, ठीक है, वेरी गुड। और इंस्टाग्राम पे अनफॉलो वगैरह अपनी लाइफ को जियो, जो उसको नहीं पसंद वो करो। आप करने का मीन्स क्या है? अगर आप सही हो तो शॉर्ट कपड़े पहनना कोई गलत नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। भेड़िए तो घूरेंगे, औकात थोड़ी टच कर लेंगे, अगर आप सही हो तो यार अपने आप को रोकोगे क्या? साले कुत्ते तो गंदी नज़रों से देखेंगे, देखने दो ना, आप सही हो तो फिर उसमें टेंशन क्या है?
तो जो चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आप कंफर्टेबल हो और आप उसमें यूं समझते हो आपने कुछ गलत नहीं करा, तो वो चीज़ करनी चाहिए। गलत बताऊं क्या होता है रिलेशनशिप में? गलत वो होता है आप किसी के साथ इंटीमेट हो जाते हो, किसी से प्यार वाली बातें करने लग जाते हो, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाते हो, वो गलत होता है। या शॉर्ट कपड़े पहनना, बाहर जाना, घूमना, दोस्तों को टाइम देना, चिल मारना, तुम ये चीज़ें डिस्ट्रॉय मत करो अपनी लाइफ में। देखो, सामने वाला होना चाहिए समझने वाला। इतना तुमने कर लिया फिर भी नहीं समझ रही, तो आज से अपनी लाइफ को एंजॉय लो, गांड फट के हाथ में आ जाए, कुत्तों के जैसे पीछे भागो। ये दुनिया है ना, बड़ी हरामी है साला, जो बात नहीं मानता लोग उसी के पीछे जाते हैं, ठीक है? तो तुम अपनी लाइफ को आज से जीना स्टार्ट करो। अब आएंगे दूसरे पॉइंट पे। हमेशा एक चीज याद रखना, किसी ने तुम्हारा फोन कट कर दिया, ईगो पे मत लो, ये मत सोचो मेरी जैसी अच्छी लड़की को छोड़ दिया, मेरे जैसे अच्छे लड़के को छोड़ दिया, ठीक है? प्रैक्टिकल रहो। कोई तुम्हारा कॉल नहीं उठा रहा, कोई तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, रात भर बिजी है, तो तुम्हें क्या है वहाँ हाइपर नहीं होना, तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें आराम से प्यार से ये सोचना है कि भैया ये तो हमारे लायक ही नहीं है, कितने कॉल करेंगे, खुद कर लेगा, खुद कर लेगी, क्योंकि आपने एक बार हाजिरी लगा दी, बार बार हाजिरी 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 मत लगाओ, ठीक है? गुलाम नहीं हो, गुलाम बनोगे तो पार्टनर गांडू समझ लेगा, गर्लफ्रेंड चूतिया समझ लेगी। प्यार में सैक्रिफाइस करो, बट इतना भी नहीं। पता नहीं वो कौन लिख के चल गए थे कि भाई प्यार में झुकना बहुत ज़रूरी है, कुछ झुकना ज़रूरी नहीं है, एक दो बार एफर्ट्स लगाओ, बार बार नहीं। अगर आपके चाचा अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, बुआ अपने लड़के की शादी कर रही है, कार्ड नहीं दिया, तुम मांगोगे क्या? बुआ कार्ड दे दो ना, खाना खाना है, चाचा कार्ड दे दो ना, खाना खाना है, ऐसे कहोगे क्या? नहीं कहोगे ना। तो बार बार भीख क्यों मांगनी? जब प्यार की भीख मांगने पड़े, वो प्यार थोड़ी होता है। एक प्रैक्टिकल वाले बंदे बंदी बनो ना, तब चीज़ों को तुम अच्छे प्रैक्टिकल तरीके से जियोगे और लोग तुम्हें प्रैक्टिकल लेंगे और तुम्हारे साथ ही टच में रहेंगे। जैसे हम प्रैक्टिकल को सीरियस लेते थे ना, वाइवा वगैरह होते थे कॉलेज वगैरह में, है ना, तो वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें प्रैक्टिकल समझ के सीरियस ले, तुम्हारा गर्लफ्रेंड तुम्हें प्रैक्टिकल समझ के सीरियस ले। देखो, क्वेश्चन छोटे हैं बट बातें बहुत बड़ी है, तो डिस्क्राइब कर दी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और ऐसी ध्यान रखो और ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है? मिलेंगे नई वीडियो के साथ जल्दी, है ना। जय हिंद, जय भारत।